वेल जी दोस्तों, आज की जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि सीलिंग फैन को मुकम्मल फिट किस तरह से किया जाता है। आज की वीडियो आपने मिस नहीं करना। आज आपका जो भी फॉल्ट है, आप पंखा खोल चुके हैं और आपको फिटिंग करने का तरीका, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो आप बिल्कुल जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मसला है, जो भी फॉल्ट है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब मसला हल हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये फॉल्ट या ये मसला आ रहा है और ये पंखा हमारा सही नहीं चल रहा, तो मुझे अपने कमेंट्स में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो वेल जी दोस्तों, आपने अगर बैरिंग चेंज करना है इस रोटर प्लेट के अंदर, तो ये 1802 का बैरिंग है, इस साइज़ पे आपने इसको डाल देना है इस सुराख के अंदर, जिसकी जिस पे ये सही तरह बैठ जाए। बैरिंग की ये जो जगह है, इस पे आपने इस बैरिंग को रख कर, आपके पास ये गजट पिन होना चाहिए, आपने इस गजट पिन को इसके ऊपर रखना है बैरिंग के, और यहाँ से आपने थोड़ी सी हथौड़ी की मदद से चोट लगानी है। आपका बैरिंग बिल्कुल प्लेट के अंदर बैठ चुका है, इस वक्त ये सही तरह से काम कर रहा है। तो इसके बाद बारी आ जाती है हमारी स्टेटर को फिट करने की। तो ये जो इस रोटर प्लेट का स्टेटर है, आपने वो ही फिट करना है, कोई दूसरा नहीं करना। दूसरा करेंगे तो आपको परेशानी होगी, वो नहीं होगा फिट। तो आपने ये देख लेना है। तो मैं इस स्टेटर को इसके ऊपर, ये देखें सही तरह से वर्क कर रहा है, ये इस टाइम रोटर प्लेट के अंदर अभी फिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये सही तरह से चल रहा है। तो मैं इसे जल्दी से इसे बिठा देता हूँ इस बैरिंग के ऊपर। तो आपके पास ये एक एक्सल होना चाहिए, तकरीबन 8-9 इंच का, 4 सूत्र का हो, 3 सूत्र का हो, आप कोई भी बनवा लें। इसको आपने ये बैरिंग के नज़दीक रखना है, इस एक्सल को बैरिंग के नज़दीक रख कर आपने इस पर थोड़ी सी हथौड़ी की मदद से चोट लगानी है। थोड़ी सी चोट लगाने के बाद आपने इसकी अगली साइड पे भी इसी तरह थोड़ी सी चोट लगानी है, फिर इसकी दूसरी साइड पे, फिर आपने इस साइड पे लगाना है। इसी तरह से आपने चारों साइडों पे बराबर चोट लगानी है, ताकि इसका जो स्टेटर का बैलेंस है वो बराबर रहे, ये आपको तंग ना करे। तो मैं थोड़ी सी और चोट लगा लेता हूँ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, इस टाइम मेरा स्टेटर बिल्कुल सही तरह से फिट कर लिया है मैंने। ये जो आपका स्टेटर है और ये जो रूटर प्लेट है, इसको आपने और भी थोड़ा सा नीचे बिठाना है, ताकि ये सही तरह से वर्क करे। मेरे पास ये इतना ही सही तरह से वर्क कर रहा है, तो मैं इसको यहीं पे फिट कर दूंगा। आपने इस स्टेटर को थोड़ा सा और भी नीचे करना है, ताकि ये रूटर और स्टेटर बराबर हो जाएं। तो मैं थोड़ा सा और भी बिठा लेता हूँ। आपने ये जो स्टेटर की रिमाइंडिंग है, इस पे वार्निश डालने के बाद इसको थोड़ा सा बिठा लेना है, ताकि ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये तंग ना करे, या इस पे कोई शॉर्टिंग वगैरह का खतरा ना हो। तो वेल जी, ये मेरा बैरिंग आप सही तरह से वर्क कर रहा है, स्टेटर भी सही तरह से घूम रहा है इस प्लेट के अंदर। तो मैं इसके बाद इस पे ये दूसरी जो प्लेट है, इसकी ऊपर वाले बैरिंग की, ये जो बैरिंग है, आपने अगर नया डालना हो तो नया डाल दें, इसको निकाल लें। नया डालने के लिए भी आपने ये गजट पिन इसके ऊपर डालनी है। तो गजट पिन ना हो तो आपने कोशिश करनी है, ये लाजमी से ले लें, इसका नाम गजट पिन है, ये आपके बहुत काम आएगी हर एक्सल, हर बैरिंग में आपको खोलने में या टाइट करने में ये लाजमी काम आती है। ये आप इस तरह की या फिर कोई बनवा लें दस्ती से, अगर आपको बाज़ार में ना मिले तो। तो आपने ये बैरिंग जब डाल लेना है इसके इस स्टेटर के ऊपर, तो आपने इसके ऊपर ये जो प्लेट है, इसमें बैरिंग अब नहीं है, तो ये आपने इसके ऊपर इस प्लेट के सुराख से आपने तारें निकाल लेनी है बाहर। तो वेल जी दोस्तों, मैंने ये तारें निकाल ली हैं। आपने ये प्लेट जो है इसके नट बोल्ट्स के ऊपर रख कर, मेरी ये जो प्लेट है नट्स के ऊपर सही तरह से आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा देता हूँ इस तरह से।
आपने इस तरह से अपने दोनों हाथों का दबाव देना है इस प्लेट के ऊपर, जहाँ आपके नट और ये आपने ये दोनों हाथों से दबाव देकर इसके जो सुराखों वाली जगह है जहाँ पे नट पेच कसे जाएंगे इस सीलिंग फैन के, ये जो तीन पेच हैं आपने सही तरह से टाइट कर देने हैं इस पंखे के, जो ये आपने टाइट कर देने हैं पेचकस की मदद से। आपने मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं करना, इसको थोड़ा सा टाइट करना है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें टाइट कर दिया है, फिर ये दूसरा आपने डाल देना है, इसको भी उतना ही टाइट करना है जितना पहले वाला किया था। मुकम्मल टाइट नहीं करना, मुकम्मल टाइट आप तब करेंगे जब आप तीनों पेच को यहाँ पे कस चुके होंगे। ये मैंने तीनों पेच सीलिंग फैन के बॉडी के ऊपर टाइट कर दी है, अब मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सारों को टाइट करना है, फिर ये मुकम्मल टाइट हो जाएंगे। इसको भी थोड़ा सा टाइट कर देना, फिर इसको थोड़ा सा टाइट कर देना। इस तरह से आपने बारी बारी सबको एक मरतबा टाइट नहीं करना, फिर इससे ये होगा कि आपकी एक साइड टाइट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दूसरी साइड उखड़ जाएगी, ये सही तरह से बैठेगी नहीं। अब आपने सारों को टाइट कर देना। से टाइट हो चुके हैं, अब आपने इसको घुमाकर चेक करना, यहाँ से स्टेटर से पकड़ना है और इस प्लेट को घुमाना है कि आपकी ये प्लेट सही तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सही तरह से वर्क कर रही है तो ठीक है, वरना आपने एक्सल ये गजट में नंबर डालनी है। यहाँ से आपने थोड़ी सी चोट लगा दी, थोड़ी सी चोट लगाने के बाद आपने फिर चेक करना है आपका पंखा सही तरह से घूम रहा है या नहीं घूम रहा। अगर नहीं घूम रहा तो फिर आपने इस तरह करना है कि ये जो एक्सल है ये आपने इस स्टेटर वाली पिन के ऊपर रखना है। इस पिन के ऊपर रखने के बाद आपने थोड़ी सी चोट लगानी है, थोड़ी से बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है। फिर आपने चेक करना है कि आपका पंखा सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सही तरह से वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आपने फिर थोड़ी सी चोट लगानी है। अगर फिर ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर फिर भी ना आपका अगर सही चले तो फिर आपने ये नट्स जो तीनों नट्स कसे हैं इनको आपने थोड़ा सा लूज़ कर देना है, और लूज़ करने के बाद आपने घुमाकर चेक करना है। फिर भी अगर आपका पंखा सही तरह से वर्क ना करे तो फिर आपने इस तरह से करना है कि इन पेच को खोलकर आपने इनके नीचे दो दो तीन तीन वाशर्स रख देनी है, फिर आपने चेक करना है, फिर आपका इंशाल्लाह स्टेटर जो है सही तरह से वर्क करेगा। अगर स्टेटर आपका रूटर के दरमियान फंस रहा है, चल नहीं रहा, अगर इस ये फॉल्ट आ रहा है कि अगर आपका स्टेटर रूटर के अंदर फंस रहा है तो फिर आपने रूटर को जो नहीं है वो खराबिया से टूल करवा लेना है। टूल करवाएंगे थोड़ा थोड़ा, आपने सुई बराबर टूल करवा लेना है, उससे भी आपका स्टेटर जो नहीं है वो फंसेगा नहीं बिल्कुल, तो आपने वो करवा लेना है। इस वक्त हम ये देख सकते हैं बिल्कुल सही तरह से इसकी फिटिंग कर चुके हैं। इसके बाद आपने ये जो इसका ऊपर वाला राड है इसको आपने इसकी चूड़ी स्टेटर की चूड़ियों के ऊपर कस देना है। तो मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ। आपने इस स्टेटर को नोज प्लास की मदद से पकड़ लेना है। ब्रेक ला, ब्रेक ला, ब्रेक ला। पिछले साल में बड़ा तंग थी है। पिछले साल तो पैसे लाए कमाए नहीं, सीधी सी गल है। इंशाल्लाह कहना पोसन दसी हुए हैं पिछले दफा क्या मिल कोई फॉल्ट आया करे पता कहना ही होता ना उस्ताद को पहुंच गया उस्ताद का पुत्र वन फलाना काम करावा फलाना करावा फलाना करावा टाइम जाया थी मैंने बेंचो अमन मैंने पेट्रोल जाया थी मैंने
बिस्मिल्लाह उस्ताद वास्ते टाइम करना पौंदा है हुण हुण इत्थे मारी सलाह पता है समान खुटा पई की देवा एक काम करा जी हुण वेल जी दोस्तों मैंने इसकी सही तरह से चूड़ी टाइट कर दी है राड की तो अब इसका ये जो पेच है लगा हुआ था ये आपने पेच लगा देना है इस जगह पे इसको आपने सही तरह से टाइट कर देना है पेचकस की मदद से इसके ऊपर एक पेच लगा हुआ था ये आपने लगा देना है इस जगह पे जब आपने कनेक्शन मुकम्मल कर लेना है तो तब ये डब्बी ऊपर आ जाएगी इस डब्बी के ऊपर ये कस देना है तो मैं अब इस पे कैपेसिटर लगा लेता हूँ अब हमारी कैपेसिटर की बारी आ चुकी है दोस्तों आपके पास अगर इन कंपनियों में से अगर कोई भी अगर फ्यूजी है तो आप फ्यूजी ले लें पहले नंबर पे अगर दूसरे नंबर पे आपके पास अंबर है तो अंबर ले लें अगर इसके इन दोनों के अलावा अगर आपके पास अगर कोई अच्छी ब्रांड है मतलब आपको सस्ता मिले और अच्छा हो तो आप ये पाक वाला भी इस्तेमाल कर सकते ये भी अच्छा है बहुत अच्छा है ये मेरे पास अढ़ाई का है इस वक्त तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ अढ़ाई UF ने आपने इस्तेमाल करना है तो आपने इस तरह करना है कि ये जो चार लीडें थी आपने इन में से दो को आपस में मिला देना एक बड़े सेट की एक छोटे सेट की एक मेन की और एक स्टार्टिंग की ये दोनों आपने आपस में मिला देनी है और ये जो बाकी दो बच गई हैं ये दो बाकी जो बच गई हैं ये आपने कैपेसिटर में लगा देनी है इससे मैंने ये कैपेसिटर को अटैच कर लिया अब हम इसकी शार्टिंग पहले चेक करेंगे कि पंखा हमारा शार्ट तो नहीं है कहीं ये स्टेटर जो हमने फिट किया ये कहीं प्लेट के साथ टच तो नहीं कर रहा हमने सबसे पहले शार्टिंग चेक कर लेनी इसके बाद आपने सीरीज पे चेक कर लेना कि चल रहा है या नहीं चलता फिर आपने मेन पे मेन 220 वोल्ट AC पे लगाना है तो फिर चेक कर चलिए हम अपनी सीरीज पे चलते हैं तो दोस्तों ये मेरे पास एक सीरीज़ की लीड है ये स्विच ये दो प्रोड्स हैं इसके साथ तो ये मैं पहले सीरीज़ में लगा लेता हूँ तो दोस्तों ये मेरे पास एक सीरीज़ बोर्ड है आप देख रहे हैं थोड़ा जो चेक कर रहे हैं ठीक है ये मैं इसका बटन ऑन कर देता हूँ ये आप देख रहे हैं ये मेरे पास सीरीज बल्ब जल रहा है आपने एहतियात करनी है कहीं तारों से टच ना हो तो आपने सबसे पहले कैपेसिटर पे लगा के चेक कर लेना है और बॉडी के साथ देख लेना है नई शार्ट ये भी चेक कर लेना है फिर आपने ये जो कामन बनाया है इस कामन के साथ आपने लगा के चेक कर लेना कहीं शार्ट तो नहीं है ये इस टाइम बिल्कुल शार्ट नहीं है मैं आपको दिखा सकता हूँ ये मैंने राड के ऊपर लगाया हुआ है ये यहाँ पे भी बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा ये मैं आपस में मिला के ये बल्ब ऑन हो रहा है तो वेल जी अब आपने इसकी जो दो मेन तारें निकालनी है वो आपने एक जो बड़े कॉयल था उसकी एक तार लेनी तो बड़ा कॉयल हमारा काली तार थी बड़ा कॉयल था जो वो काली तार का था और जो छोटा कॉयल था स्टार्टिंग का वो आपका था नीली का तो आपने जो मेन लगानी है मेन आपने एक काली में लगा देनी है और एक कॉमन में लगा देनी है तो मैं ये जल्दी से लगा कर चेक करता हूँ कि हमारा बल्ब ऑन होता है इसमें सप्लाई आती है कि नहीं आती तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप इस टाइम ये सही तरह से वर्क कर रहा है ब्रेक लगा
दोस्तों ये आप देख चुके हैं कि सीरीज पे जो है पंखा चल रहा है बिल्कुल सही तरीके से। ये मैंने सीरीज बोर्ड पे लगा हुआ है, ये देखें ये दोबारा मैंने चालू कर दिया है, ये सही तरह से सही रोटेशन पे काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको इसको 220 वोल्ट सीरीज पे लगा के चेक करवा देता हूँ। ये दोस्तों सीरीज पे मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, ये इसके बाद मैंने आपको ये डायरेक्ट चेक करवा देता हूँ।